जी महाराज होना चाहिए। हम ये प्रस्ताव लेकर आएंगे। आज ये समझ रहे हैं कि हमारी तीन पार्टी की हुकूमत है, हमने कर लिए। सेना का तो समझ में आ रहा था, करे साहब आके गए, दो दिन रुके, जब ये ठराव पास हुआ तो बोले नहीं, ये तो फैसला लिया गया है, ये सर्वसम्मति से लिया गया, हम भी थे उसे। लेकिन फिर हुआ क्या, यहाँ के जो है ना पूरे भागे उनके पास, बोले साहब नाम नाम का तो पता नहीं, हमारी दुकान बंद हो जाएंगी, कुछ तो करो। तब वो आए, पहले बोले सर्वसम्मति से हुआ, फिर कल बोल तक गए, नहीं नहीं हमको तो पता ही नहीं था क्या हुआ, हमको मालूम नहीं क्या हुआ करके। तो मैंने उनका वो भाषण और उनका ये भाषण दोनों को जोड़ा, मेरे फेसबुक पे डाला और उसके ऊपर लिखा, शरद पवार जी झूठ बोले। सुने अब नहीं सुना तो हमको सुना दो कि हम वो नहीं है तुम जो बोलेंगे। एक बात उससे सुनो, झूठ बोले और कौवा भी बहुत खतरनाक है। समझ लो, हमसे कहा गया कि आज ये आंदोलन की आप शुरुआत कर रहे हैं। मैं साफ तरीके से दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि इस शहर के अंदर रहने वाले कई सारे जाति धर्म और मजहब के लोग हैं जो इस बात की मुखालफत कर रहे हैं। हम साफ तरीके से ये कहना चाहते हैं कि हम अगर औरंगाबाद की मांग कर रहे हैं तो कहीं पर भी हम छत्रपति संभाजी महाराज का अनादर कर रहे हैं, उनकी हम कहीं उनकी उनके खिलाफ जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक शहर 350-400 साल पहले क्या हुआ है, उन मुद्दों को बार बार निकालना, हमें आगे जाना है। आज इस शहर के अंदर नौजवानों को रोजगार चाहिए। अभी 4 दिन पहले मैंने एक जॉब फेयर रखा, ताजुब होगा आप लोगों को, 8000 बच्चे उसके अंदर आए कि हमें नौकरी दो। शर्म आनी चाहिए उन राजनीतिक पार्टियों को जब नौजवान मेरे शहर का कह रहा कि मुझे नौकरी चाहिए तो कह रहे नहीं नौकरी नहीं, नाम दूंगा तेरे। मेरी माँ और बहने इस शहर की कहती है कि 8-8 दिन एक बकेट पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो कह रहे नहीं पानी नहीं, नाम दे रहे। यही मुद्दों को लेकर इतने सालों तक ये अपनी सियासत करते आए हैं। कुछ 2 महीने पहले यही शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, जो भले ही शिवसेना के होंगे लेकिन मेरे भी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने यहां पर सांस्कृतिक मंडल के ऊपर एक भव्य मेला लिया और कहा कि नहीं, हम पहले औरंगाबाद का विकास करेंगे, औरंगाबाद का विकास करेंगे और उसके बाद हम औरंगाबाद के नामांतर के बारे में सोचेंगे। 2 महीने के अंदर कौन सी जादू की छड़ी चलाए और क्या ऐसा कर डाले कि अचानक अब लड़ाई आपस में दोनों में ये चल रही है कि छोटी शिवसेना कौन सी, बड़ी शिवसेना कौन सी।
अरे जो लोग अपने बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं है वो हमारे शहर का फैसला लेने के लिए निकले। आज हम सबको मेरे भाइयों मुत्तहिद होने की जरूरत है। अगर कोई ये सोच रहा है कि इस महफिल के अंदर जितने लोग खड़े हैं वो सिर्फ एक जाति या एक धर्म या एक मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ये वो सब नौजवान है, ये वो सब लोग हैं जो एक पैगाम देने के लिए आए हैं कि ये शहर का नाम औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और औरंगाबाद लड़ेंगे इंशाल्लाह, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और सिर्फ यही लड़ाई नहीं, और हाँ आज की इस महफिल के अंदर जो नहीं आए हैं उन्हें भी याद रखा जाए, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी सियासत मायने रख सकती है। हम ठोकर मारेंगे ऐसी सियासत को, लेकिन जब अपने शहर के अस्तित्व की बात आएगी, अपने शहर के पहचान की बात आएगी, हम एक ताकत बनकर खड़े रहेंगे। तो जो जो लोग आज इस महफिल में नहीं आए तुम्हारी तो वाट लगने वाली है, और सिर्फ किसी एक पार्टी का नाम अभी नहीं ले रहा, लेकिन एक बात बताओ, कांग्रेस वाले अक्सर बार बार ये कहते थे कि नहीं हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं है तो इसलिए हम नहीं ले सकते, जैसी लेंगे तो भारत साहब थोड़ा विरोध नहीं किए बोटे ना, इतना प्रेम होता सरकार 2014 मध्ये किंवा सत्तेमध्ये बसता बसता सांगितलं होता पाहिजे होतं की नाही मला हे सत्ता नाही, मला हे शहराचं नाव बदलायचं आहे, हे तो बोली दिया। मग आंध्याचे साहब आहे अशोक चौहान जी, चौहान साहब सुनो, नांदेड़ जी आने वाला हूँ तुम्हारी सजाने के लिए, और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं, बल्कि उन्होंने हमको इतिहास ही पढ़ा डाला, इतिहास कैसा था, इतिहास के अंदर क्या क्या हुआ था, इतिहास के अंदर क्या हुआ था। तुम इस इतिहास को मिटा नहीं सकते, अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ वो एक इतिहास का हिस्सा है। मुंबई में बीटी स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन कहा कि नहीं हमें ये नाम नहीं चलता है, वो तख्ती हटाए और उसके ऊपर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का नाम दे दिया। तुम ये समझ रहे कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, किसी शहर का नाम देने से, किसी रेलवे स्टेशन का नाम देने से वो महान होंगे? नहीं, ये जितने महापुरुष अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन तुम ये सोच रहे कि इनका नाम दे तो वो बड़े हो जाएंगे, वो बड़े हैं, तुम कब बड़े हो रहे हैं, जब ऐसी रहेंगे मेरे और दोस्त के जैसे लोग रहेंगे। तो दुआ करता हूं कि अल्लाह उसको हया की दे, और दूसरा ये इस ताल्लुक से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ नौजवान लड़के मुझे गलत गलत तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, और ये
और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा तो तैसा उत्तर जो अरे तुम्हारा ओरकत नहीं राजा, तुझे असार के चीटी आले गलत गांव के चक्कर में मत फंसो। ये शहर हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है, हमारे नौजवानों को रोजगार देना है, इस शहर की तरक्की के ऊपर हम सबको मेहनत करने की जरूरत है। मैं आखिर में जाते जाते हमारी कृति समिति के जितने भी जिम्मेदारान हैं, जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, जो अलग अलग जाति धर्म और मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वो सभी लोग एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, एक चैनल में चला दिया। आज एमआईएम का मोर्चा निकल रहा है, उन्होंने कितनी मोहब्बत है तुमको एमआईएम से, ये हमारा नहीं अकेले का नहीं है, ये हमारा है, हमारा ये हम सबका है, और हम सब मिलकर आए हैं एक आशा बनकर खड़े रहने के लिए। और अगर ये समझ रहे हैं कि बारिश आई है इतने ही लोग आए हैं, तो अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे यहाँ से शुरुआत हुई है। बस मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और खासतौर से मेरे नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपने दुकानें बंद करके आए हैं, जो अपने कारोबार बंद करके आए हैं सिर्फ अपने शहर से मोहब्बत के लिए। तो एक जोरदार तालियां अपने खुद के लिए बजा दीजिए। जिन ताकतों के खिलाफ लड़ रहा हूँ तो बहुत ताकतवर लोग हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर बैठता हूँ और सामने मोदी जी और शाह साहब बैठते हैं, और उनकी आंखों में आंखें डालकर जब मैं उनसे सवाल करता हूं तो मुझे हिम्मत यहां से मिलती है, ये हिम्मत देती है। और मैं जिंदगी भर इस बात का एहसानमंद रहूंगा मेरे भाइयों कि आप लोगों ने उस मुकाम के ऊपर पहुंचाया। ये लड़ाई हमें और आगे भी लड़नी है, एक कानूनी लड़ाई भी हमें लड़नी है। हम सबको हाथ में हाथ डालकर तमाम राजनीतिक मतभेदों को हमें भूलना होगा। इस मुद्दे की खातिर मैं हाथ जोड़कर तमाम राजनीतिक पार्टियों से यह अनुरोध करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि सियासत होती रहेगी, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर हमें अपने अपने राजनीतिक मतभेद हमें भूलना होगा, अपनी सियासी जो भी हमारी सियासी मुफाद है उसको दरकिनार करना होगा, और एक आवाज के अंदर ये बोलना होगा कि नहीं, ये शहर औरंगाबाद था, औरंगाबाद है, और इंशाअल्लाह औरंगाबाद रहेगा। बस जाते जाते एक नारा दोनों हाथ उठाकर करना, अरे दिखाना जब तक सूरज चांद रहेगा, मेरा ये तिरंगा ऐसे ही लहराता है। बहुत बहुत शुक्रिया।